हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर ब्लॉग में। तो गाइस, मैं अभी बैठा हूँ लहसुन के खेत में, क्योंकि लहसुन पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो इसे खोद के निकालना है। तो गाइस, मैंने इसे लगाया था करीब 15 नवंबर को, तो आज ही अप्रैल है 14, तो करीब 5 महीने लग गए इसको पूरी तरह तैयार होने में। तो इसे कम से कम 8 से 9 बार सिंचाई की गई है, उसके बाद एक बार इसमें खाद भी डाला गया है, और जो है 4 बार कम से कम इसमें इसका घास वगैरह निकाला गया है, तो तब जाके ये अब तैयार हो गया है। तो अब इसको खोद के निकालना है, ये आपको दिखाते हैं कि लहसुन किस तरह निकालते हैं, और लहसुन तैयार होता है तो पूरा फली के साथ कैसा लगता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं खोद के, फिर बताते हैं और इसके बारे में। तो गाइस, मैंने ले आया है खुरपा, अब इसी खुरपे से खोद के इसको निकालेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो पहले कैमरा एंगल सेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये लहसुन का पेड़ है, अब इसको हम निकालते हैं। पहले निकाल के आपको दिखाते हैं, इसको ऐसे एक बार इधर मारेंगे, इधर करेंगे इसे एक बार, ये फाइनली ये निकल गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से हो गया है एकदम तैयार, और ये एवरेज साइज है, साइज लगभग इतना ही रहता है। इससे थोड़ा किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही साइज रहता है। तो ये बढ़िया लहसुन हुआ है एकदम, और फली भी इसमें काफ़ी अच्छी आई है मोटा। तो ये हो गया, अब इसी तरह सारा लहसुन खोद के निकालना है। तो चलिए निकालते हैं पहले लहसुन खोद के, उसके बाद में फिर इसको बांध के रखना भी है। तो चलिए पहले इसको खोदते हैं। तो फाइनली मैंने जो है 2 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद इसे पूरा निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही इसको बांध भी दिया है पूरा, अब इसको रखना है। तो मैंने इसे बेचने के लिए नहीं लगाया, सिर्फ पर्सनली यूज के लिए, घर के खाने के लिए लगाया है। तो ये ऑर्गेनिक खाद से मैंने इसे तैयार किया है। फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक खाद में इतना अंतर है कि ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक खाद से इसको उगाया है। और तो जो है हेल्थ इशू ना हो, क्योंकि केमिकल आजकल कुछ ज़्यादा ही है खाने में, इसलिए मैंने जितना मैं लगभग खेती करता हूँ सब ऑर्गेनिक खाद से करता हूँ। तो इसलिए ये इतना बेहतरीन इसमें फली भी आया है, देख सकते हैं आप ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।